एवरीवन, वेलकम टू द लीगल विजडम चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त महाश्वेता पटनायक। आज हम इनकोइट ऑफेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इनकोइट का मतलब है इनकम्प्लीट अनडेवलप्ड, यानी जो फुली डेवलप नहीं हुआ है, अपनी अर्ली स्टेज में ही है। अपराध होने पर ही सजा मिलती है। किसी भी वजह से अपराध नहीं हो पाया, होते होते रह गया, इसे ही इनकम्प्लीट ऑफेंस या इनकोइट ऑफेंस कहा जाता है। इनकोइट ऑफेंस में सजा देने का मतलब यही है कि इनिशियल स्टेज में अपराध को रोका जाए और अपराधी दोबारा वो ना करे। अपराध को रोक देना ही सजा देने से अच्छा है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज बेटर देन पनिशमेंट ऑफ क्राइम। अटेम्प्ट, अबेटमेंट और कंस्पिरेसी, इन तीनों को ही इनकोइट ऑफेंस कहा जाता है। भले ही पूरी तरह से ऑफेंस नहीं हुआ है, फिर भी पर्सन लायबल होता है। इंडियन पिनल कोड में अटेम्प्ट और अबेटमेंट को पहले से ही इनकोइट ऑफेंस में इंक्लूड किया गया था, लेकिन क्रिमिनल कंस्पिरेसी को चैप्टर 5A में 1913 में इंसर्ट किया गया है। अब चलिए इन तीनों के ऊपर डिस्कस करते हैं। अटेम्प्ट यानी कोशिश या प्रयास। पिछले वीडियो में हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम के ऊपर डिस्कस किया था। अटेम्प्ट क्राइम का थर्ड स्टेज होता है। क्राइम कंप्लीट होने से पहले अटेम्प्ट होता है। अटेम्प्ट सक्सेस हो जाए तो कमीशन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो उसी स्टेज में ही रह जाएगा। अटेम्प्ट को प्रिलिमिनरी या एंटिसिपेटोरी क्राइम भी कहते हैं। इंडियन पिनल कोड में कहीं पे भी अटेम्प्ट टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। चैप्टर 23 में सिर्फ एक ही सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 511, जो कि लास्ट सेक्शन है। चैप्टर 23 का टाइटल है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, लेकिन इसमें अटेम्प्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। सिंपली ऑफेंस के अटेम्प्ट करने पर पनिशमेंट कितना मिलेगा, यही बताता है। सेक्शन 511 के अनुसार आईपीसी में जितने भी ऑफेंस दिए गए हैं और जिन ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, उन सब ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए मैक्सिमम जितना पनिशमेंट है उसका आधा पनिशमेंट अटेम्प्ट के लिए दिया जाएगा। आईपीसी में कुछ ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिक सेक्शन दिए गए हैं, जैसे कि अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर सेक्शन 307, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 308, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड सेक्शन 309। वैसे ही सेक्शन 393 बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जिसके अटेम्प्ट के लिए सेफरेट सेक्शन नहीं दिया गया है, जैसे कि थेफ्ट के अटेम्प्ट करने पर थेफ्ट के लिए सेक्शन है, लेकिन अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए कोई सेफरेट सेक्शन नहीं है। इसे एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। सपोज ए ने बी का जेब काटा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, क्या यहाँ ए लायबल होगा? आंसर है हाँ होगा। यहाँ ए को अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट कितना मिलेगा? सेक्शन 379 के अनुसार थेफ्ट के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल है। यहाँ अटेम्प्ट के लिए उसको 1.5 साल के लिए पनिशमेंट मिलेगा। आईपीसी में कुछ ऑफेंस है जहाँ पे ऑफेंस के लिए जितना पनिशमेंट है उसके अटेम्प्ट के लिए भी उतना पनिशमेंट है, जैसे कि सेक्शन 121, 124, 124A, 122, 123, 161, 162, 163, 165, 196, 198, 200, 213, 239, 240, 241, 251, 385, 387, 389, 391, 394, 395, 397, 498, 391, 394, 395, 397, 499, 401. हर सेक्शन के ऊपर तो बात नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही सेक्शन, दैट इज सेक्शन 121 के ऊपर बात करते हैं, जो कि डील करता है वेजिंग वार और अटेम्प्टिंग टू वेज और अबेटिंग वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस सेक्शन में अगर वेजिंग वार करे या इसके लिए अटेंड भी करे, पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, यानी ऑफेंस के लिए जितना है अटेम्प्ट के लिए भी उतना पनिशमेंट है। आईपीसी में एक ऐसा सेक्शन है सिर्फ उसके अटेम्प्ट के लिए सजा मिलती है, कमीशन होने पर सजा नहीं मिलती है। वो कौन सा सेक्शन है बता सकते हैं? वो है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अटेम्प्ट सक्सेस हो जाए तो सजा किसे मिलेगा? सेक्शन 309 में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पनिशेबल है। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट दोनों में एक थिन लाइन होता है। जहाँ पे प्रिपरेशन खत्म, वहाँ से अटेम्प्ट शुरू होता है। प्रिपरेशन स्टेज में पर्सन लायबल नहीं होता है, लेकिन अटेम्प्ट स्टेज में पर्सन लायबल होता है। इन दोनों को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल है। पहला है प्रॉक्सिमिटी टेस्ट।
में टाइम, प्लेस और इंटेंशन को देखा जाता है। अगर ऑफेंस हो जाता तो ऑफेंडर कितने पास था, इससे रिलेटेड एक केस लॉ के ऊपर डिस्कस करते हैं। बेटा महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब, ये 1980 का केस था। इसका फैक्ट था, कुछ लोग ट्रक में सामान रख रहे थे, सामान के नीचे सिल्वर छुपा के रखा था। ये ट्रक इंडिया के बाहर सिल्वर स्मगलिंग के लिए जा रहा था। बॉर्डर के पास पुलिस वालों ने ट्रक को पकड़ा और छानबीन की और पता चला कि इंडिया के बाहर सिल्वर की स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। कोर्ट ने यहाँ प्रॉक्सिमिटी टेस्ट को अप्लाई किया और कहा कि ट्रक बॉर्डर के पास ही था। अगर पुलिस वालों ने ट्रक नहीं पकड़ा होता तो सिल्वर की स्मगलिंग कर दी जाती, इसलिए यहाँ अक्यूज्ड अटेम्प्ट के लिए लायबल होंगे। देन लोकस पोनिटेंटी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस भी कहा जाता है, में देखा जाता है कि कोई पर्सन ऑफेंस करने से पहले क्या इतना दूर था या उसके पास इतना टाइम था कि वो अपना इरादा ही बदल दे। एक केस था, दैट इज मलकिया सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। केस का फैक्ट ये था कि दिल्ली में बगैर लाइसेंस के पैडी लेके जाना अलाउ नहीं था। मलकिया सिंह बगैर लाइसेंस के दिल्ली की ओर ट्रक में पैडी लेके जा रहा था। पंजाब दिल्ली बॉर्डर के 32 माइल पहले पंजाब पुलिस ने मलकिया सिंह को अरेस्ट किया था। पैडी स्मगलिंग करने के लिए मलकिया सिंह पर केस चला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रक 32 माइल दूर मिला, क्या पता उनका माइंड बदल जाता और ये लौट जाते, इससे अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा और इसीलिए वो लायबल नहीं होंगे। इट वाज ओनली प्रिपरेशन। उसके बाद आता है अनइक्विवोकलिटी टेस्ट, यारेस इप्सा लॉकेटर। उसका मतलब है थिंग स्पीक्स इटसेल्फ, देखते ही पता चल जाता है। पोच ए बी के घर में घुस के उसके लॉकर तोड़ रहा था, लॉकर तोड़ने से पहले ही वो पकड़ा गया। ए ने अपने बचाव में कहा कि वो बी के घर में चोरी करने नहीं आया था, ये तो ऑब्वियस सी बात है, देखते ही पता चल जाता है कि वो चोरी करने ही आया था, इसीलिए वो अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए लायबल होगा। देन लास्ट में आता है इम्पोसिबल अटेम्प्ट, इसमें पर्सन ऑफेंस करने के लिए अनसक्सेसफुल रहता है फिर भी वो पनिशेबल होगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ज्वेलरी चोरी करने के लिए ए ने एक ज्वेलरी बॉक्स को तोड़ा, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिला, फिर भी वो लायबल होगा क्योंकि लॉ का काम है अपराध को रोकना। अगर उसे रोका ना जाए और पनिशेबल नहीं किया जाए, वो फिर से कहीं और जाके चोरी करेगा, उसे डेटर करने के लिए पनिश किया जाएगा। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए और भी बहुत सारे केस है, जैसे कि अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में पर्सन को अटेम्प्ट के लिए लायबल किया गया था। अटेम्प्ट के ऊपर आज हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। गुड बाय फ्रेंड्स।